गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और आपने पहले वाले लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे. ठीक है, दिस इज आवर सेवंथ लेक्चर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, माइनस एच स्क्वेयर अपॉन एट पाई स्क्वेयर एम. तो हमने क्या पढ़ी थी श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर, लैप्लेशियन ऑपरेटर पढ़ा था और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पढ़ा था. तो हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में आइगन वैल्यू क्या होती है. ठीक है, आइगन वैल्यू फंक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, आइगन वैल्यू फंक्शन क्या होते हैं, और हम पढ़ेंगे ऑपरेटर क्या होता है. ठीक है, वेरिएबल्स, ऑब्जर्वेबल, ये सारी चीज़ें आज हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं. ठीक है, यहाँ से शुरू कर देते हैं, फिर जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू कर देते हैं, वरना तो पहले ऑपरेटर पढ़ाना था मेरे को आपको, पर अब यहाँ से छोड़ा था और बुक में भी आप लोगों को ऐसे ही दिया होता है, तो यहाँ से शुरू करते हैं. ठीक है, ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास जिसको हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहा था. तो अब अगर हम बात करें ये क्या है और ये क्या है. ठीक है, तो क्या होता है, ये होता है हमारे पास ऑपरेटर. क्या होता है, ऑपरेटर. ये क्या होता है, कोई फंक्शन. क्या होता है, फंक्शन. ये हमारे पास होती है आइगन वैल्यू. क्या होती है, आइगन वैल्यू. और ये क्या होता है, फंक्शन होता है. ये भी एक, इसको हम बोल देते हैं अनदर फंक्शन. ठीक है, अनदर फंक्शन. क्या होता है हमारे पास, अनदर फंक्शन. तो क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई फंक्शन होता है उसके ऊपर अगर हम कोई भी ऑपरेटर लगाएं, वो पढ़ेंगे हम ऑपरेटर कैसे लगाते हैं. ठीक है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, और उससे पहले एक बार आप बहुत शांति से सुने. क्या होता है, हमारे पास कोई भी एक फंक्शन होता है जिसके ऊपर कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी एक ऑपरेटर क्या करा जाता है, अप्लाई करा जाता है, और हमें क्या मिलती है, एक अनदर फंक्शन मिलता है. ठीक है, जब हम किसी फंक्शन पे कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमें एक फंक्शन मिलता है, अनदर फंक्शन. ठीक है, और उस फंक्शन को अगर हम देखें तो उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू से. क्या होते हैं, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से उसे क्या मिलते हैं, हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलते हैं. और ये जो कांस्टेंट वैल्यू हमारी होती है, जब हम किसी फंक्शन पे ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमें एक तो वो फंक्शन मिलता है, और वो फंक्शन किससे मल्टीप्लाइड होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू से. और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोलते हैं. क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोलते हैं. तो बात कर लेते हैं आइगन वैल्यू की. इसको हम अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बजाय दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. मान लो ऐसे कर देती हूँ मैं इसको, ए साई. अब ये क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट है. क्या है हमारी, ये एक आइगन वैल्यू है. तो क्या होता है इसके अंदर, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको कि ऑपरेटर कैसे अप्लाई होता है. तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक ऑपरेटर है डिफरेंशिएशन. क्या ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन हमारे पास एक ऑपरेटर है. और कोई हमें कहे कि आप क्या करें, ये वाला ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर, डिफरेंशिएशन को एक फंक्शन पे अप्लाई करें. मान लो उसकी वैल्यू है 2x2. क्या है, 2x2 एक फंक्शन है. कोई हमें कह रहा है कि क्या करो, ये जो डिफरेंशिएशन नाम का ऑपरेटर है ना, d/dx, मान लो इसको आप क्या करो, अप्लाई कर दो इस वाले फंक्शन पे. तो अगर मैं इसको इस पे अप्लाई करूँगी तो आप लोगों को पता होगी, डिफरेंशिएशन आपको आता होगा. ठीक है, ग्रेजुएशन के बच्चे, डिफरेंशिएशन आपको आता होगा. तो क्या था, अब जो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, जो पावर है वो आगे आ जाती है. तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4. इधर क्या हो जाएगा, एक पावर माइनस हो जाती है. आपको ठीक से लिख के बता देती हूँ, 2 × 2 ये वाला ऑलरेडी है जो, और एक जो ये वैल्यू है इसकी पावर थी वो आगे आ जाती है, और x एज इट इज रहेगा, और यहाँ से जो है एक पावर माइनस कर देते हैं. तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4x, क्योंकि x की पावर 2 − 1, x की 1 को हम x की पावर 1x लिख सकते हैं डायरेक्ट. तो ये क्या आ गई, 4x आ गया. तो हमने क्या देखा, जब हमने 2x की स्क्वायर पे एक ऑपरेटर लगाया, अप्लाई करा, तो हमें कुछ वैल्यू मिली. ठीक है, और वो वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक आइगन वैल्यू थी. हमें क्या मिली, एक आइगन वैल्यू मिली. अब हमें ये देखना है कि ये एग्जैक्टली आइगन वैल्यू है. मैंने सिर्फ अभी आपको क्या सिखाया है, ऑपरेटर अप्लाई करना सिखाया है कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे. ठीक है, क्या सिखाया है मैंने अभी आपको, ऑपरेटर को हम कैसे अप्लाई करेंगे. तो क्या होगा, ये तो था सिर्फ ऑपरेटर. ऑपरेटर हमारे पास बहुत सारे हैं. ऑपरेटर बता देते हैं पहले आपको क्या होते हैं. ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है कि जब भी आप किसी भी फंक्शन पे क्या करेंगे, जब भी हम किसी फंक्शन पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कोई रूल. ठीक है,
किसी भी फंक्शन पे कोई रूल अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, एक अनदर फंक्शन मिल जाता है, और उसे ही हम क्या कह देते हैं कि ये क्या है, एक ऑपरेटर है। क्या है ये? एक ऑपरेटर है। ठीक है, अब एक बात बहुत ध्यान रखने लायक ये है कि जो हमने क्लासिकल मैकेनिक, आखिर ये मतलब कि जो ये ऑपरेटर्स हैं एग्जैक्टली ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं, तो अगर हम बात करें तो जो ये क्लासिकल मैकेनिक्स हमने पढ़ी थी ना, ये कहते हैं कि जो भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी कह सकते हैं या क्वांटिटी कह सकते हैं, हम प्रॉपर्टी बोल देते हैं, जो भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी होती है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, जो भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी होती है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, ऑब्जर्वेबल मतलब कि जो क्या करी जा सके, ऑब्जर्व करी जा सके, और जो क्या होती है एक क्या होती है, ऐसा वेरिएबल होती है जो क्या होता है, दैट चेंज विद मोशन। ऑब्जर्वेबल क्या होता है? एक वेरिएबल होता है। क्या होता है? एक वेरिएबल होता है दैट चेंजेस विद, किसके साथ चेंज होता है? ये मोशन के साथ चेंज होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, पोजीशन चेंज होती है ना मोशन के साथ। मोमेंटम क्या होता है? एम वी क्या होती है? स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, चेंज हो रही है ना मोशन के साथ, चेंज हो रहा है ना, चाहे इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है वो मायने नहीं रखता, चेंज हो रहा है ना। काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? ऑब्जर्वेबल है। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, चेंज हो रही है ना स्पीड के साथ, मोशन में आते ही चेंज हो रही है ना, तो ये क्या है? एक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है। ये पोटेंशियल एनर्जी भी हो गई हमारी। तो क्या होता है ऑब्जर्वेबल? क्या है? एक वेरिएबल है जो क्या होता है, चेंज होता है मोशन के साथ। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो चेंज हो, जो सेम ना रहे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जितनी भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होता है उनके लिए क्या दिया गया है, एक हर एक के लिए क्या दिया गया है, ऑपरेटर मेंशन है। किसके अंदर? ऑपरेटर इज मेंशनड फॉर एवरी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, देयर इज एन ऑपरेटर मेंशनड इन द क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, जितनी भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है क्लासिकल मैकेनिक्स की, उन सबके लिए एक ऑपरेटर मेंशनड है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के लिए भी है, पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी है, पोजीशन के लिए भी है, और क्या हो गया, और क्या है, वेलोसिटी हो गई, सब चीज़ों के लिए हमारे पास क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, हमने जब कल लास्ट वाले लेक्चर में कल हमने पढ़ा था, वेव फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था? वेव फंक्शन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी ना, वेव फंक्शन। तो सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, उसके अंदर हमने एक चीज़ जान ली थी, ये क्या है, वेव फंक्शन होता है हमारे पास। और मैंने कल लास्ट वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो अगर हम इसकी बात करें, ये सिर्फ क्या है, सिंपली एक वेव फंक्शन है, ये क्या है, वेव फंक्शन है। और अगर हम साइज स्क्वायर की बात करें तो वो क्या हो जाती है हमारी, क्या हो जाती है साइज स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो क्या देखा गया कि जो साई होता है, जो ये होता है वेव फंक्शन होता है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, इसका क्या नहीं है, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। क्या नहीं है इसका? कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो क्या हुआ, मैक्स बोर्न ने क्या दी, साई स्क्वायर के लिए एक इंटरप्रिटेशन दी। मैक्स बोर्न ने साई स्क्वायर के लिए क्या दी, एक इंटरप्रिटेशन दी, कि अगर हम मान लें कि कोई भी वन डायमेंशनल बॉक्स है, उसके अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी होगी, साई स्क्वायर होगी, साई स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, बात करें 2D के लिए, साई स्क्वायर डीएक्स डीवाई। बात करें 3D के लिए तो कितनी होगी, साई स्क्वायर डीएक्स डीवाई डीजेड होगी। ये कहा मैक्स बोर्न ने। उसके बाद क्या हुआ, जो अपना ये डीएक्स डीवाई और डीजेड है, ये क्या है, डीएक्स डीवाई और डीजेड क्या है, ये क्या है, स्मॉल वॉल्यूम है इन स्पेस। ठीक है, क्या है, स्मॉल वॉल्यूम इन स्पेस, जहाँ पे क्या है, जिसको हम क्या कैसे लिखते हैं, जिसको हम डी टाउ भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी टाउ लिख सकते हैं, ऐसे डी को ऐसे कर, ठीक है, उल्टा जे बना दो, ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स डी वाई और डी जेड, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम है स्पेस के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, जो ये इंटरप्रिटेशन दी थी प्रोबेबिलिटी के लिए मैक्स बोर्न ने, उनके अकॉर्डिंग क्या था,
मतलब उन्होंने क्या किया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से इस चीज़ को जोड़ के बताया, क्या बताने की कोशिश की, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लेकिन अब क्योंकि अनसर्टेनिटी ने कहा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, हम उसको क्या नहीं जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की उसको क्या नहीं बता सकते, एक्यूरेटली नहीं बता सकते। और यही इसने कहा कि हम क्या बता रहे हैं, सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा या नहीं होगा। हम आपको पोजीशन नहीं बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, ये कोई हमारे पास 1D बॉक्स है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के होने की हम क्या बता रहे हैं आपको, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं हम आपको, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, जिसको ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसका वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इन रियल लाइफ, ठीक है, ये उन्होंने बताया। तो फिर क्या हुआ, हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन है और ऑर्थोगोनैलिटी, लेकिन वो हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं एक बारी कि आखिर पहले आइगन फंक्शन पढ़ते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आइगन वैल्यूज के बारे में बता देती हूँ, दो ही लाइनें बतानी है उसके लिए। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, पर उसके छोटे से प्रॉपर्टीज बता देती हूँ आपको, दो ही मेन जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसकी। तो क्या होता है, हमने पढ़ा a psi, जिसमें हमारे पास a क्या है, एक आइगन वैल्यू है। तो अगर मुझे चेक करना है, मुझे चेक करना है कि कोई भी फंक्शन आइगन फंक्शन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें चेक करना है कोई भी फंक्शन आइगन फंक्शन है या नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे। तो क्या होता है, जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, सम कॉन्स्टेंट होती है, हमें बात पता है क्या होती है, कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। जब हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन पर कोई भी ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो हमें एक फंक्शन मिलता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, आइगन वैल्यू। हमें एक फंक्शन मिलता है और वो फंक्शन क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाइड होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोल देते हैं। तो अगर मैं आइगन वैल्यू के डेफिनेशन की बात करूँ, तो इक्वेशंस की बात करूँ, तो क्या होते हैं, वो इक्वेशंस होते हैं जिसके अंदर हम ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं किसी भी फंक्शन पे, ठीक है, और हमें सेम फंक्शन मिल जाए, हमें क्या मिल जाए, सेम फंक्शन मिल जाए और वो किससे मल्टीप्लाइड हो, किसी भी, भाई बार बार आपको रिपीट करिए, दो नंबर में आ जाते हैं क्वेश्चन, कोई भी पूछ लेता है आपसे, ठीक है, क्वांटम पढ़ रहे हो, हाँ भाई बताओ क्वांटम में आइगन वैल्यू बता दो क्या होता है, आइगन वैल्यू फंक्शन ही बता दो क्या होता है, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, सेम फंक्शन मिलता है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए, फिर से मान लीजिए कि मैंने आपको बोल दिया कि आपके पास जो ऑपरेटर है वो है d/dx, ऑपरेटर क्या है, d/dx, और मैं कह दूँ आपको फंक्शन में दे रही हूँ, एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में दे रही हूँ e/dx, इस पर अप्लाई कर दो ये फंक्शन, तो क्या होगा, d/dx e^2x, क्या होता है, फंक्शन पावर है इसकी, आगे आ जाती है पावर, तो क्या हो गया, 2x हो गया, क्या हो गया, 2x हो गया, और इधर क्या, सॉरी 2 हो गया, और इधर क्या आ गया, e^2x आ गई, ये पावर आ गई। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि जो हमने फंक्शन लिया था शुरू में, ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद भी जो फंक्शन है वो क्या रहा, सेम रहा, वो किससे मल्टीप्लाइड है, इससे मल्टीप्लाइड है एक कॉन्स्टेंट वैल्यू से। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, 2 तो हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यू है, 2 हमारे पास क्या, आइगन वैल्यू, और जो ये पूरा फंक्शन है ये क्या है, एक आइगन वैल्यू फंक्शन है, ठीक है, आइगन वैल्यू इक्वेशन है ये हमारे पास, ठीक है, आई बात आप लोगों को समझ। उसके बाद अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, ये तो हो गया नहीं वाला केस, अगर मैं यहाँ बात करूँ e^2x² को चेक करके बताओ कि ये एक आइगन वैल्यू फंक्शन है, इक्वेशन है या नहीं है, तो क्या करेंगे हम, बस यहाँ कर देते हैं e^2x² क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2x कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 4x, e^2x² हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4x e^2x² 4x हो जाएगा ना, ये पहले इसका अगर हो गया आप, तो ये कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऐसे होता है ना, पहले पावर का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे 2x² और फिर यहाँ पे ये ऐसे रहेगा एज इट इज, तो ये कितना हो जाएगा, 2x² का कितना होता है डिफरेंशिएशन, 4x होता है, और ये वाली टर्म एज इट इज। तो अगर आप चेक करें हमें क्या मिला है, फंक्शन ये नहीं मिला है सिर्फ, इसके साथ आप वेरिएबल चेक करें, x था हमारे पास वेरिएबल, ठीक है, ये क्या मिला है हमें, x इंटू e^2x² की पावर 2x में ये मिला है हमें, लेकिन ये तो सेम फंक्शन नहीं है, सेम फंक्शन तो ये था, ये सेम फंक्शन नहीं है, तो ये सेम फंक्शन नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये क्या नहीं है हमारे पास, एक आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं है, क्या नहीं है, ये एक आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात,
पहले वाली इक्वेशन में हमें क्या मिला था? पहले वाली इक्वेशन में हमें क्या मिला था? e की 2x था ना, तो कैसे मिला था? 2 e की 2x ऐसे मिला था। ये वाला फंक्शन बिल्कुल सेम था, सिर्फ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड था। कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड ये भी है, लेकिन फंक्शन ही यहाँ पे क्या हो गया है? चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये क्या नहीं है, एक आइगन वैल्यू फंक्शन है, ये एक आइगन वैल्यू फंक्शन है। तो पहली तो बात यही आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, ठीक है। हो गई बात, आगे बात समझो आपके कि आइगन वैल्यू फंक्शन आप कैसे चेक करेंगे और आइगन वैल्यूज को कैसे निकालेंगे। अब इसके अंदर हम इसकी दो प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी है, अगर हम क्या करें, आइगन वैल्यू जो है हमारी, अगर हम चेक करें वो कैसे वैरी करेगी, ठीक है। आइगन वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम क्या करें, किसी भी फंक्शन को किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। पहली बात तो किसी फंक्शन के, किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, दूरी वाला फंक्शन था हमारे पास, अगर हम क्या करें उसको, क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें किसी भी कांस्टेंट से, क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें किसी भी कांस्टेंट से, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें चेक करना है आइगन वैल्यू की, जो आइगन वैल्यू जो है हमारे पास वो अफेक्ट होगी या नहीं, वो क्या होगी, अफेक्ट होगी या नहीं होगी। दूसरी बात, अगर मैं क्या करूँ, जो ऑपरेटर है, क्या है, ऑपरेटर है, उसको मैं क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ किसी भी कांस्टेंट से, तो उस केस में आइगन वैल्यू अफेक्ट होगी या नहीं होगी, मुझे ये दो चीज़ें चेक करनी होती हैं, ठीक है। और यही यहीं से हम क्या बता सकते हैं और आसानी से कि वो हमारा जो भी वैल्यू है वो आइगन वैल्यू है या नहीं है, इक्वेशन आइगन वैल्यू इक्वेशन है या नहीं है, आइगन वैल्यू फंक्शन है या नहीं है, ठीक है, ये बताना है हमें। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले केस में कि हम फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी कांस्टेंट से, तो क्या होगा वहाँ पे? मैं आपको रिजल्ट की बजाय क्या करती हूँ, डायरेक्ट एक एग्जांपल से सोल्व करके बताती हूँ। तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लो मेरे पास फंक्शन है, वही वाला फंक्शन रखते हैं टू एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स है, मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास डी बाई डी एक्स है, मान लो मुझे ये ऑपरेटर दिया गया है कि आप इस पर अप्लाई कर दो इसको, ठीक है, तो क्या आया था, टू ई की टू एक्स आ गया, ये एक आइगन वैल्यू है, क्या है ये, एक आइगन वैल्यू है, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा है, फंक्शन को मल्टीप्लाई करो एक कांस्टेंट से और फिर चेक करो आइगन वैल्यू है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे आइगन फंक्शन को, तो मैं कर देती हूँ मल्टीप्लाई, मान लो मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 5 से मल्टीप्लाई फंक्शन को, कर दो, कितना आ गया, 10 ए की 2x, कितना आ गया, 10 ए की 2x, कोई फर्क पड़ा इसके ऊपर? ये तो आप कह सकते हैं कि ठीक है 10 आ गया, 2 नहीं रहा, बट फंक्शन आइगन वैल्यू तो चेंज नहीं हुई ना, किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर आइगन वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, जो हमें मिलना था वही मिला है, आइगन वैल्यू अभी यहाँ पे क्या रहेगी, 2 ही तो रहेगी आइगन वैल्यू यहाँ पे, समझ रहे हैं आप मेरी बात, आइगन वैल्यू क्या रहेगी, 2 ही रहेगी इस केस में। हमने क्या किया है, सिर्फ फंक्शन से इसको मल्टीप्लाई करा है कॉन्स्टेंट को, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगर मैं क्या करूँ, ऑपरेटर को क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या करूँ, अगर मैं ऑपरेटर को ही क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, किसी कॉन्स्टेंट से, तो वहाँ पे क्या होगा, वो क्या करेगा, आइगन वैल्यू को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, क्या करेगा, आइगन वैल्यू को अफेक्ट करेगा। इसके अंदर बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है जो कि आपको पहचानना है कि फंक्शन से मल्टीप्लाई किया गया है या फिर ऑपरेटर से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ऑपरेटर की बात करें, सेम केस ले लेते हैं, ऑपरेटर है हमारे पास 5 ऑफ डी एक्स मान लो, और हमने अप्लाई करना है इसके ऊपर, अप्लाई करना है, ठीक है। देखो यहाँ फंक्शन से मल्टीप्लाई करें, यहाँ ऑपरेटर से मान लो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 10 ए की 2x आ गया। देखो बात बिल्कुल सेम है पर डिफरेंस बहुत माइनर है, डिफरेंस एकदम माइनर सा है, ठीक है। इसके अंदर कोई चेंज, इसके अंदर हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक आइगन फंक्शन तो है, लेकिन क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। अब वहाँ पे उस केस में जो वैल्यू होगी आइगन वैल्यू, वो होगी 10, वैल्यू कितनी होगी, 10,
आप समझ रहे हैं इसके अंदर आइगन वैल्यू 2 है, अफेक्ट नहीं हुई जब हमने मल्टीप्लाई करा किसी भी कांस्टेंट को किसी भी फंक्शन से, लेकिन उस केस में क्या हुआ जब हमने ऑपरेटर को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आया, जो आइगन फंक्शन था वो क्या होगा, चेंज होगा। और यही होगा, और यही क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है किसकी, आइगन फंक्शन की, आइगन वैल्यू की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम, आप यहाँ पे इस बात में कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ से ऐसे हटा देती हूँ और मैं इसको लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे है ना वो भी ऐसे, तो मैं इसको लिख देती हूँ एफ ऑफ एक्स 5 ई की 2x लिख देती हूँ इसको ऐसे। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको थोड़ा कंफ्यूजन जो है वो कम होगा। यहाँ पे आ गई वैल्यू, ठीक है, आई बात समझ। तो ये था आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टीज, ये थी आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद है आपके ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है आपकी जो कि हमें जान लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि जो कि आपको ऑलरेडी, अगर आपको आइगन वैल्यू वाली बात समझ नहीं आई है तो थोड़ा सा शांति से एक बार इसको फिर से देखें और कोशिश करें, आपको बहुत आसानी से ये समझ आएगी। बस इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, वही एक बात तो याद रखनी है आपको कि अगर हम फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फंक्शन को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी कांस्टेंट से, तो क्या होगा, जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या करेगी, विल नॉट चेंज, विल रिमेन सेम, विल नॉट चेंज। एक बात याद रख लेते हैं हम, ठीक है, या सेम वाली रख लो या चेंज वाली रख लो। दूसरी बात है, अगर मैं क्या करूँ ऑपरेटर को, फिर क्या करूँ मैं कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करूँ, तो वहाँ पे आइगन वैल्यू विल चेंज, वहाँ पे आइगन वैल्यू विल चेंज, विल नॉट रिमेन सेम। तो ये हमारे पास थी आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टीज जो आपको ध्यान रखना है, इसको एकदम नोट बना के लिख लो आप, ये बिल्कुल माइनर डिफरेंस होता है इनके बीच में। ठीक है, देख लो तो खैर आपको उसको नहीं बता पाएंगे, अगर मैं आपको दे दूँ 10 ई की 2x लिखा हुआ बता दूँ मैं, आप तो कहोगे 10 ही है उसकी जो वैल्यू है आइगन वैल्यू, हम तो ये नहीं बता सकते ना कि इसकी आइगन वैल्यू क्या है, वो हम सिर्फ फंक्शन और ऑपरेटर्स वगैरह देख के ही बता सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑपरेटर के बारे में। तो ऑपरेटर के बारे में पढ़ने से पहले हम बात करते हैं, बार 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 फंक्शन रिपीट हो रहा है, फंक्शन 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 क्या रिपीट हो रहा है, फंक्शन होता क्या है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन बता सकता है कोई, सोचिए जरा, फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है, एक टर्म होती है जो क्या करती है, दैट रिलेट्स टू वेरिएबल्स, जो क्या करती है, रिलेट करती है इसको दो वेरिएबल्स को। मैं अगर कह दूं a इक्वल्स टू b इंटू c, ठीक है, a इक्वल्स टू b इंटू c कह दूं, जैसे हमने वो पढ़ा था ना लास्ट वाले लेक्चर में, क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था वेलोसिटी को, पढ़ा था हमने फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम कुछ करके, है ना, पढ़ा था ना ऐसे हमने, जिसके अंदर हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया था, फिर ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, तो उसके अंदर क्या था, यही तो था, क्या कर रही है फंक्शन, क्या है, रिलेट करता है, किसको रिलेट करता है, दो वेरिएबल्स को रिलेट करता है, ठीक है, कि इसके रिस्पेक्ट में, मान लो ए के रिस्पेक्ट में सी कैसे चेंज हो रहा है, बी के रिस्पेक्ट में ए कैसे चेंज हो रहा है, दो वेरिएबल्स को क्या करता है, वो क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है, क्या करता है, रिलेट करता है। मैं अगर आपको और थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करके बताऊं तो एग्जांपल ले लेते हैं, आपने पढ़ा हुआ रहेगा पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, हमने पढ़ा होता है, ठीक है, ये तो कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, कह रहे सर मान लो 1 के लिए पढ़ दें, पी वी इक्वल्स टू आर टी ये पढ़ा था हमने, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से अगर मैं v को चेक करूँ आर टी बाई पी, ये क्या हो गया हमारे पास, आर टी बाई पी हो गया, एन आर टी बाई पी बोल दो चाहे, तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, तो कॉन्स्टेंट है v जो है वो क्या है, फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का और प्रेशर का, ये बात तो है कि इसके बढ़ने से बढ़ रहा है, प्रेशर के डिक्रीज होने से इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बात तो भाई ठीक है, लेकिन क्या है ये, फंक्शन है, ठीक है, क्या ये फंक्शन है जो रिलेट कर रहा है दो वेरिएबल्स को, किसी से जो आपस में दो वेरिएबल्स को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है,
और ऐसे ही रूल को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। बात करते हैं ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर क्या होता है, एक प्री डिफाइंड प्रोसेस होती है या फिर एक प्री डिफाइंड ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर क्या होता है, एक प्री डिफाइंड टर्म होती है। ऑपरेटर इज अ प्री डिफाइंड प्रोसेस। ऑपरेटर क्या होती है, एक प्री डिफाइंड प्रोसेस होती है जिसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, दैट इज अप्लाइड ऑन अ फंक्शन, ऑन अ फंक्शन टू गेट अनदर फंक्शन, टू गेट अनदर फंक्शन। प्री डिफाइंड प्रोसेस जिसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन पे टू गेट अनदर फंक्शन। एग्जाम्पल्स आपने ऑलरेडी बहुत सारे देखे हैं, ठीक है, फिर भी एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको, वही वाला है, डिफरेंशिएशन वाला मान लेते हैं, ठीक है, कर दो डिफरेंशिएशन 18x का, क्या हो गया 18 हो गया, 18x स्क्वायर का कर दो 36x हो गया, क्या मिल रहा है, नया फंक्शन मिल रहा है, ये ऑपरेटर हो गया। क्या मिल रहा है, एक नया फंक्शन मिल रहा है, यही क्या हो गया हमारे पास, ऑपरेटर हो गया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है एक ऑपरेटर की, प्रॉपर्टीज क्या होती है ऑपरेटर की। तो अगर ऑपरेटर बोल दिया मैंने आपको कि इंटीग्रेशन है या डिफरेंशिएशन है या स्क्वायर रूट है या फिर क्यूब है या फिर स्क्वायर है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, कुछ भी है, कोई भी एक ऑपरेटर बोल दिया, मैं कह दूं अप्लाई करो इस पे फंक्शन में दे, मैं कह दूं कि सोल्व करो इसको, फंक्शन में आपको दूं ना, फंक्शन में आपको कहूं ही ना कि फंक्शन क्या है, समझ रहे आप मेरी बात। मैं अगर आपको कह दूं कि आप इसको सोल्व करके लिखें, बताएं इसको सोल्व करके वैल्यू निकालें, कोई अनदर फंक्शन निकाल सकते हैं आप, नहीं निकाल सकते। तो क्या है कि जो ऑपरेटर है, जो ऑपरेटर होता है वो बगैर फंक्शन के मीनिंगलेस होता है, कोई मतलब नहीं है उसके होने का। सबसे पहली बात, सबसे बेसिक पॉइंट, कोई भी ऑपरेटर बिना किसी फंक्शन के क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। ऑपरेटर इज मीनिंगलेस विदाउट फंक्शन, ठीक है। अगर आप लोगों को फंक्शन नहीं दिया हुआ तो ऑपरेटर को आप किस पे लगाओगे, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या होता है, पहला पॉइंट तो है मीनिंगलेस होता है। प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑपरेटर जो होता है मीनिंगलेस होता है, यानी ऑपरेटर खुद मीनिंगलेस होता है, ऐसा नहीं ऑपरेटर मीनिंगलेस होता है। ऑपरेटर विदाउट फंक्शन, विदाउट फंक्शन क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं नेचर के अंदर, ऑपरेटर्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। अब ये क्या नहीं भला है, तो क्या होता है, ऑपरेटर्स जो होते हैं डायरेक्शनल का मतलब है कि आप इनको लेफ्ट टू राइट ही अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्शन तो कोई तो डायरेक्शन होगी, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है, कैसे होता है ये पता नहीं ना, कैसे होता है। अगर मैं आपको कह दूँ, सबसे इजी रहता है डिफरेंशिएशन को पढ़ना, डिफरेंशिएशन का एग्जांपल लेके इनको पढ़ना बहुत इजी रहता है, तो इस वजह से मैं आपको बार 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 डिफरेंशिएशन से करा रही हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन का फिर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होता है। जो क्वांटम, तो देखो भाई, अगर केमिस्ट्री तो बायो वाले बच्चों के पास भी है, बेसिक मेडिकल और नॉन मेडिकल वालों के पास भी, डिफरेंशिएशन का फिर भी थोड़े रूल्स जो होते हैं काफ़ी ईजी होता है। इंटीग्रेशन का एग्जांपल लेके करूँ तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मेडिकल वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, थोड़ा सा बिल्कुल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, तो मैं आपको कह रही हूँ अप्लाई करो 5x पे, कर दोगे 5 ला दोगे आंसर। मैं अगर आपको कहूँ ऐसे सोल्व करो, कर पाओगे सोल्व, निकाल पाओगे कोई आंसर इसका? अरे अरे बात समझ, कि जो ऐसे तो नहीं चलोगे ना यहाँ पे कि इसका ऐसे कर दोगे आंसर 5 ही निकाल दोगे, कि दे रखा है भाई डिफरेंशिएशन है, इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कर देना है, बस ये दे रखा है, ये आंसर आ गया, क्या बड़ी बात है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो डिफरेंशिएशन होती है वो लेफ्ट टू राइट ही होती है। क्या होती है वो, लेफ्ट टू राइट होती है। मल्टीप्लीकेशन की, मल्टीप्लीकेशन की तरह नहीं है, 5 × 3 है, 3 × 5 और 2 15 लिख दे, 5 × 3 और 2 15 लिख दे। डिफरेंशिएशन क्या होती है,
डायरेक्शनल होती है लेफ्ट टू राइट, और जो ऑपरेशंस होते हैं वो भी क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं नेचर में. क्या होते हैं नेचर में? वो डायरेक्शनल होते हैं, लेफ्ट टू राइट ही वो क्या करे जाएंगे, अप्लाई करे जाएंगे. ये थी हमारी दूसरी बात. तीसरी बात की ओर गौर करते हैं, जो ऑपरेटर्स के बारे में कही जाती है, ठीक है, तो वो क्या अफवाह नहीं है, ये सच्ची बात है. ये दूसरी बात, पहली बात तो क्या थी, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बगैर फंक्शन के मीनिंगलेस होते हैं. और दूसरी बात क्या है, ऑपरेटर्स जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं नेचर में. तीसरी बात इन्होंने बहुत अच्छी कही, बहुत आसान सी समझने लायक, कि मैं अगर कोई भी ऑपरेटर ले लूँ, कोई भी ऑपरेटर, ठीक है, कोई भी ऑपरेटर ले लूँ, किसी भी फंक्शन पे अप्लाई कर रही हूँ, जितनी मैं उसकी पावर रखूंगी ना, मुझे वो ऑपरेटर उतनी ही बार अप्लाई करना होगा. कंफ्यूज हो गए तो फिर हमारे पास वही है, रेखा सहारा डिफरेंशिएशन वाला एग्जांपल है ना, तो हमारे पास है d by dx, ठीक है. क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं, अगर उसकी पावर 2 है तो 2 टाइम्स अप्लाई करो, 3 है 3 टाइम्स अप्लाई करो, 4 है 4 टाइम्स अप्लाई करो, n पावर है तो n टाइम्स ही तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर फंक्शन पे वो पर्टिकुलर ऑपरेटर आपको n टाइम्स ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है. क्या करना पड़ेगा, n टाइम्स ही अप्लाई करना पड़ेगा, जितनी पावर उसकी दे रखी है उतनी ही बार आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, मान लो इसकी पावर है 2 और ये मैंने बोला आप अप्लाई करो उसको 10x³ पे, तो क्या करेंगे आप, पहले d by dx निकाल लेंगे, इसको वैसे लिख दो 10x³, ऐसे लिख दिया, ये अप्लाई कर देते हैं, इस पर कितना हो गया, 3 आगे आ जाएगा, 30 हो गया, 30x x square, क्योंकि एक वैल्यू पावर में से एक क्या होती है, 1 फॉर्म क्या करते हैं, माइनस करते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर. लेकिन ये तो एक ही बार अप्लाई करा है, एक बार रहता है, हो गया इतना, फिर से अप्लाई करेंगे 2 आगे आ जाएगा, 60 हो जाएगा, x एज इट इज 2 - 1, 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, आ गया. मैं कह दूं एक और बार अप्लाई कर दो तो 4 हो जाती है पावर, वहां 3 हो जाती है, सॉरी ऐसे हो गया, 60 आ जाती वैल्यू उस टाइम. बस ये करना था हमें, यानी कि जितनी बार आपको ऑपरेटर की पावर दी हुई है, आप उसको ऑपरेटर को जो है उतनी बार ही क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, ठीक है, क्या करने के लिए, अनदर फंक्शन लेके आने के लिए. फिर उन्होंने कहा कि क्वांटम मैकेनिक की तीसरी बात थी, ठीक है, nth टाइम हम क्या करेंगे, n टाइम्स अप्लाई करेंगे, इफ पावर ऑफ एन ऑपरेटर इज n, ठीक है, nth पावर है तो n टाइम्स क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे. उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, पर लिख देते हैं, तो हो गया ना प्रीडिफाइंड प्रोसेस होते हैं, जो हम किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं टू गेट अनदर फंक्शन, था हमारे पास ऑपरेटर, तीन प्रॉपर्टी हो गई, मीनिंगलेस होता है विदाउट फंक्शन, डायरेक्शन होता है नेचर में, n टाइम्स अगर बोला है तो n टाइम्स ही हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे. फोर्थ बात करते हैं हम, फोर्थ प्रॉपर्टी की, तो क्या होता है, जो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बहुत ही नीटम लीनियर होते हैं नेचर में, ऑपरेटर्स आर लीनियर इन नेचर. ये क्या बला है हम, तो क्या होते हैं ऑपरेटर्स जो होते हैं वो लीनियर होते हैं नेचर में. लीनियर होने के लिए अब इसको क्या करनी होगी, दो कंडीशंस हैं, क्या है, टू बी एन ऑपरेटर टू बी लीनियर इन नेचर इट हैज टू फॉलो टू कंडीशन, इट हैज टू सेटिस्फाई टू कंडीशंस, एन ऑपरेटर हैज टू सेटिस्फाई टू कंडीशंस टू बी लीनियर इन नेचर, टू बी लीनियर इन नेचर. पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है, अगर मैं किसी भी ऑपरेटर को, ध्यान से सुने बहुत इजी है, बस ये देख के डरे ना, तो हम क्या करते हैं नई नई टर्म्स देख के थोड़ा घबरा जाते हैं, ठीक है, तो डरे नहीं, क्या है ऑपरेटर ले लो, ठीक है, एक कांस्टेंट ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, इधर ले लो एक फंक्शन, ठीक है, अगर मैं किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दूं फंक्शन से, तो जो इसकी वैल्यू है ना, अगर वो सेम आ जाए, ऐसे आ जाए, क्या ये कहा जाएगा लीनियर,
है नेचर में, लीनियर इन नेचर, और ये प्रॉपर्टी हर एक ऑपरेटर फॉलो करता है। हर एक ऑपरेटर क्या करता है, फॉलो करता है। कुछ आइगन वैल्यू वाला नहीं लग रहा है वो केस, फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया और ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया ना। वेरी गुड, याद तो है आप लोगों को। चलो अब क्या है एग्जाम्पल, वही पुराना एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स, कोई भी कॉन्स्टेंट उठा लो, 5x है, 2 ले लेते हैं यहाँ पे, कितना आएगा, स्क्वायर ले लेते हैं, तो कितना आएगा, 2 एज इट इज, 10x, कितना होगा, 20x होगा। और इसको अगर देखें, इसको सोल्व करूँ मैं इसे, 2 एज इट इज, ऑपरेटर अप्लाई करना है इस पे, फंक्शन पे, फंक्शन क्या है, 5x2, फंक्शन क्या है, 5x2, क्या हो जाएगा, 10x, 2 पहले ही था, 20x, इसको सोल्व करने पे भी 20x आ रहा है, इसको सोल्व करने पे 20x आ रहा है, फॉलो कर रहा है ना इस कंडीशन को, सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या हो गया, लीनियर कहेंगे नेचर इसका हम। समझ रहे हैं आप मेरी बात, हमने क्या किया, एक कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया फंक्शन से या फिर ऑपरेटर से कर दिया, पूरी टर्म को, इसको आगे लिख लो, इधर लिख लो, आंसर सेम आना है, ये कंडीशन फॉलो कर ली तो बोल देंगे कि लीनियर है नेचर, ठीक है। पहले तो ये कंडीशन है भाई, पहली कंडीशन समझ आई। दूसरी कंडीशन है, बहुत ही आसान कंडीशन है, अगर ऑपरेटर है एक फंक्शन पे और दूसरे फंक्शन पे भी वही ऑपरेटर है, और मैं इनको अगर सेपरेट करके तोड़ के लिख दूं, एक बार इस पे अलग से अप्लाई कर दूं, इस पे अलग से अप्लाई कर दूं, तो जो ये वैल्यू है ना वो आएगी सेम। और अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया जा रहा है बाय एनी फंक्शन और एनी ऑपरेटर, तो एनी ऑपरेटर, तो हम कह देंगे कि वो ऑपरेटर जो है लीनियर है नेचर में, वो ऑपरेटर क्या है, लीनियर है नेचर में, और जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो लीनियर ही होते हैं, तो हमें चेक करना है ये सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे। तो अब इसको इसको साफ कर देते हैं, मीनिंगलेस विदाउट फंक्शन डायरेक्शन एंड नेचर एंड एंड टाइम अप्लाई करने पे क्या होगा, एंड टाइम पावर, एंथ पावर दे रखे तो एंड टाइम से अप्लाई करना होगा, 3 तो ये वैल्यूज, 3 तो प्रॉपर्टीज हो गई थी। फिर है ऑपरेटर्स आर लीनियर इन नेचर, ठीक है। पहली तो है एक, मतलब कि इसको बोल लेंगे तो क्या आएगी, अगर हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें तो कांस्टेंट को बाहर रख लो फिर ऑपरेटर लगा दो, या फिर कांस्टेंट के ऊपर ही ऑपरेटर लगा दो, तो वैल्यू सेम आनी है, पहली कंडीशन ये। दूसरी, ये दो फंक्शंस हैं, ऑपरेटर अप्लाई कर दो, जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू ऐसे आएगी, जब हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग अप्लाई करेंगे। तो सदाबहार एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं, डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन वाला, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x लेते हैं, क्या आएगी, 20x प्लस 5, कोई डाउट, ये आगे आ गया, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 0 हो जाएगी, और किसी की भी पावर 0 होते 1 होता है, 5 तो है ही एज इट इज। और इसको ही हम अगर क्या करूँ, मैं इसको अगर ऐसे अप्लाई करूँ, डी बाई डी एक्स किसके ऊपर, 10x स्क्वायर के ऊपर अलग से कर दूँ, और ये किसके ऊपर कर दूँ, 5 के ऊपर अलग से कर दूँ, 5x के ऊपर, 20 आ जाएगी यहाँ पे, ये कितने रहे, 5 आ जाएगी, होगी प्रूव, तो क्या हो गया यहाँ पे, प्रूव हो गया 20x प्लस 5 इक्वल्स टू 20x प्लस 5, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया यहाँ पे प्रूव। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑपरेटर है वो क्या है, ऑपरेटर जो है हमारा क्या है, लीनियर है नेचर में। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन ही करके लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, a ऑफ एक कांस्टेंट मान लेते हैं c1f(x) प्लस c2g(x), इसको तोड़ के लिख दो, a ऑफ c1 या फिर c1 आगे भी लिख सकते हैं f(x) प्लस c2a ऑफ f(x) की बजाय g(x), या आगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अलग से, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको अलग से, दोनों को कंबाइन करके, आप कंफ्यूज ना हो इसमें, थोड़ा मैं इसको क्लियर लिख देती हूँ, ये ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसको क्या कर दिया, कंबाइन, कंबाइन कैसे हुआ, ये c1 था, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दो कांस्टेंट या 3 कांस्टेंट ले लो तो कोई बात नहीं, एक बार ये दोनों के ऊपर कंबाइन अप्लाई कर दिया, दोनों को कंबाइन करके एक बार सेपरेट करके अप्लाई कर दिया ऑपरेटर को, वैल्यू सेम आएगी, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, है ना। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे ये बताओ कि क्या सभी के सभी ऑपरेटर जो हैं
वो लीनियर तोड़ते हैं, ठीक है, लीनियर सर ऑपरेटर्स आर लीनियर इन नेचर। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे चेक करके बताएं कि स्क्वायर रूट है, इससे पहले स्क्वायर की बात कर लेते हैं, स्क्वायर और क्यूब की बात कर लेते हैं, क्या ये लीनियर होंगे नेचर में? तो ठीक है, देख लेते हैं। मैं कह दूँ आपको, आपको करना है स्क्वायर 10x का 2x प्लस 5 का स्क्वायर करना है, तो लीनियर तो क्या कहता है 2x प्लस 5, 2x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे कहता है ना ये। तो खैर ये मैं दूसरे वाली कंडीशन चेक करूँ, पर फिर भी चेक कर लेते हैं, कोई भी हाथ लग जाए, चेक कर लो कितना होगा इसको। तो हम a प्लस बी वाले फॉर्मूला से चेक करते हैं कितना होगा ये, 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2ab कितना होगा 20x हो जाएगा। ये कितना आएगा 4x स्क्वायर प्लस 25, क्या वैल्यू सेम आई? नहीं आई, तो लीनियर है नहीं है, तो स्क्वायर लीनियर नहीं है। सेम क्यूब के केस में भी ऐसा ही होगा, है ना, करके दिखाने की जरूरत है, क्यूब अलग से कर दो, अलग से कर दो, नहीं होगा, ठीक है, तो नहीं होगी कंडीशन सेटिस्फाई। डिफ्रेंशिएशन है, स्क्वायर रूट की बात करूँ तो मान लो मेरे पास है 25x, ये तो यही कहता है ना, अलग अलग अप्लाई कर दो 25, पहले वाली कंडीशन देख लेते हैं, अलग अप्लाई करना छोड़ो, पहले वाली कंडीशन देखते हैं। पहले वाली कंडीशन क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट को या अंदर लिख लो ऑपरेटर के या बाहर लिख लो, वैल्यू सेम आएगी, क्या सेम आ रही है, ये आ रही है 5x, 5 रूट एक्स, ठीक है, और ये कितनी आ रही है 25 रूट एक्स ही रहेगी, तो क्या सेम आ रही है, नहीं आ रही, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही स्क्वायर रूट के लिए। तो स्क्वायर रूट क्या है, लीनियर ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर क्या नहीं है, इस कंडीशन को, लीनियरिटी वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अब एक और बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन की, इसकी बात कर लेते हैं हम, इंटीग्रेशन की बात, ये चीज़ें आपको थोड़ा काम आएंगी आगे, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनमें भी ये चीज़ें बहुत बेसिक है, वैसे ये कोई डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा लीनियर है नहीं है, पर ये जो हमारे एग्जाम्स होते हैं इनके अंदर तो फिर भी ये चीज़ें थोड़ी मायने रखते हैं, पर ये बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। क्वांटम के बारे में पढ़ रहे हैं, क्वांटम पढ़ना चाह रहे हैं तो ये नॉलेज होनी चाहिए। इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूँ, मैं कह दूँ इंटीग्रेशन है, अप्लाई कर दो 4x स्क्वायर प्लस 5x पे ऑफ dx, ठीक है, तो कैसे करोगे, मैंने कंबाइन बोला है ना यहाँ पे, तो इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, एक बार 4x स्क्वायर पे अप्लाई कर दो और एक बार 5x पे अप्लाई कर दो, ऐसे सेम आ गई तो ठीक है लीनियर है। करते हैं, क्या होता है इंटीग्रेशन जब करते हैं तो क्या होता है, पावर जो होती है उसमें एक ऐड हो जाता है, तो क्या हो गया 4x क्यूब हो गया, और उसकी जो डिवाइड में भी हम क्या लिखते हैं, जो पावर आई वही लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे कितना हो गया 5x स्क्वायर बाय 2 हो गया, इधर अप्लाई कर दो सेम होगा 4x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस बाय 2 हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू क्या आई, सेम आई वैल्यू का क्या आई, सेम आई, तो हम क्या कहेंगे जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर ऑपरेटर है। तो अभी फिलहाल इस लेक्चर में आज का लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ लेते हैं, इन क्वांटम मैकेनिक्स हर एक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी के लिए, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जितने भी ऑब्जर्वेबल है सबके लिए क्या दिया गया है, क्वांटम मैकेनिक्स ने ऑपरेटर दिया है, क्या दिया है, ऑपरेटर दिया है। और ऑब्जर्वेबल मैंने बताया था ऐसा वेरिएबल जो क्या होता है, मोशन के साथ चेंज होता है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे, पोजिशन हो गई, मोमेंटम हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है, हो गया। तो अब बात करते हैं कुछ एक ऑपरेटर्स की, क्या बात करते हैं, कुछ एक ऑपरेटर्स की, ऑब्जर्वेबल, और ये क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो क्या है ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल की बात करते हैं तो पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन क्या है, एक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है ना, किसके अंदर, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर पोजीशन बताई जा सकती है आसानी से, जिसको हम एक्स y z से डिनोट कर देते हैं, इसके इसके लिए क्या दिया है, एक ऑपरेटर दिया है जिसको हम x कैप y कैप z कैप से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एक इसको सेटिस्फाई करते हैं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेबल होते हैं ना ये x इंटू y y इंटू ऐसे, ठीक है, तो इसके कुछ आपको ये चीज़ें आप जब वन डी पढ़ोगे ना तो उसके अंदर थोड़ी 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 कुछ ऐसा है नहीं इनके अंदर कि आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रटनी है ऐसा कुछ, बस जस्ट आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, पोजीशन है, पोजीशन के लिए भी ऑपरेटर होता है, और ये होता है वो ये होता है, ठीक है। बात करें अगर हम मोमेंटम की, किसकी बात करें, मोमेंटम की, मोमेंटम को हम px
PYPZ हम तीनों डायरेक्शन, हम जब बात कर रहे होते हैं ना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, तो हम 3D की बात कर रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ना अभी, आई थिंक इससे दूसरे, इसके बाद दूसरे लेक्चर में शायद हम आ ही जाएंगे 1D बॉक्स में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो। और आपके तो शायद 1D बॉक्स ही है ग्रेजुएशन में, तो हमारे 1D बॉक्स ही मेरे हिसाब से, PX, PY और PZ, ठीक है, ये है हमारे पास। इसके लिए क्या दिया गया है, ऑपरेटर दिया गया है, इसको हम कैसे लिखते हैं, PX इक्वल्स टू माइनस आर टाइट कट कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, ठीक है, ये ऑपरेटर होता है इसके लिए। PY के लिए क्या हो जाएगा, माइनस आर टाइट कट कर्ल अपॉन कर्ल वाई, और PZ के लिए हो जाएगा माइनस आर टाइट कट कर्ल अपॉन कर्ल जेड, ठीक है। और ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं, इसके मल्टीप्लीकेशन हो सकता है और क्या हो सकता है, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। दिख रहा है ना आसान, अलग से मल्टीप्लाई कर दो तुम इस वाली टर्म को किसी से, और क्या कर दो, मतलब मैं जस्ट आपको छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, एक डिफरेंशिएशन तो है ही, मान लो मैं 5x के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, मैं जस्ट आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में सेकंड समझने के लिए रखिए, फिर निकाल देना इस बात को जो मैं अभी बताऊँगी आपको। ये है, मैं इसको मान लो इससे इस पर अप्लाई कर रही हूँ, डिफरेंशिएशन अप्लाई हो रहा है, इसके अंदर डिफरेंशिएशन टाइप कुछ था, इसके ऊपर अप्लाई कर सकते, पर ये वाला एज डिफरेंशिएशन यूज़ नहीं हो रहा था ना कहीं, ये हो सकता है। और ये अगर मैं किसी से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, मान लो मैं कोई अलग ही फंक्शन उठा लूँ, ये उठा लूँ, तो ये कैसे अप्लाई होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये एज मल्टीप्लीकेशन और एज क्या हो सकता है, क्या ये ऑपरेशन है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, क्या ये ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर ऑपरेशन आएंगे ये, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन इसका ऑपरेशन जो कि मैं इसके अंदर ही आपको बता रही हूँ, इसका क्या क्या है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिफरेंशिएशन, क्या है, डिफरेंशिएशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। एक बात करें काइनेटिक एनर्जी की, और एक हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, और फिर हम बात करेंगे टोटल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की बात, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए, बस वही कट लगा दो, वी ऑफ एक्स, वी ऑफ वाई, वी ऑफ जेड, ये ऑपरेटर होता है। ये क्या होता है हमारे पास, ऑपरेटर होता है, क्या होता है हमारे पास, ये ऑपरेटर होता है, ठीक है। आई बात समझ, और इसकी जो है ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन, को डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नॉर्मली इसको ऐसे लिख दो, अगर फंक्शन एक्स के लिए लगा रहे हो तो ऐसे लिख दो इसको, हो गया ये। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी से पहले हम एक बार टोटल लीनियर मोमेंटम की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम कुछ भी तो नहीं होगा, PX, PY, PZ का एडिशन होगा, और क्या होगा, PX, PY और PZ को जोड़ दो भाई, जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, माइनस आर अटैच कट कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल अपॉन क्या बोलते हैं, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेते हैं, आर अटैच कट कर्ल अपॉन कर्ल वाई प्लस आर अटैच कट कर्ल अपॉन कर्ल जेड, बस हो गया। इसके अंदर भी क्या, डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लीकेशन। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई कर दो, एम से डिवाइड कर दो, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पी क्या होता है, एम वी होता है, अब यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर ले लेते हैं, ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एम, बस क्या वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ गई है, स्क्वायर है ना एम स्क्वायर वी स्क्वायर, या फिर एम वी का होल स्क्वायर बाय एम, बस ये वाली पूरी टर्म का स्क्वायर, माइनस आयटा एच कट कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, ठीक है। एक्स के लिए निकालने का देती हूँ बस आपको, एम है ही, एम का क्या नहीं है, हाफ भी है ना आगे, एम बाहर है, एम का स्क्वायर नहीं है ना, इस वाले एम का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दो, माइनस आयटा इंटू माइनस आयटा एच कट स्क्वायर बाय कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, आयटा और आयटा की एक तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन प्लस हो गई, और आयटा और आयटा आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर को माइनस वन लिख देते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस एच कट स्क्वायर कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, माइनस एच कट स्क्वायर, तो पूरा क्या आ जाएगा, कन्फ्यूजिंग हो गया ना थोड़ा यहाँ से, मतलब लिखा मैंने थोड़ा अच्छी तरीके से इसको, तो यहाँ पे क्या आ गया, वन टू एम तो एज इट इज हो जाएगा, इसको क्या लिखा, आयटा स्क्वायर माइनस हो गया, माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, एच कट स्क्वायर कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर हो गया, उसके लिए निकालेंगे तो एच कट स्क्वायर कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, और जेड के लिए एच कट स्क्वायर कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर, ऐसे हो गया ये बस काइनेटिक एनर्जी के लिए आ गया, ये आपने पोटेंशियल एनर्जी के लिए देख लिया, और टोटल एनर्जी के लिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और क्या, पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन कर दो, बस लिख देंगे इसको, इसे रिप्रेजेंट कर लो मान लो, ठीक है, क्या हो जाएगा,
माइनस आएगी ना वैल्यू काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि माइनस वन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस आएगा एनर्जी, इधर लिख देते हैं माइनस एक बार, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को अगर हम ऐड करके लिखेंगे इधर तो क्या आएगा, माइनस वन बाई टू एम हो गया, एच कट स्क्वायर कर्ल स्क्वायर अपन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस एच कट स्क्वायर कर्ल स्क्वायर अपन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस एच कट स्क्वायर कर्ल स्क्वायर अपन कर्ल जेड स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। प्लस में हमारे पास है बी, बी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है एक्स के लिए वाई के लिए और जेड के लिए, तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी वाली टर्म को क्या लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को ऐसे लिख सकते हैं बी एक्स वाई और जेड के लिए अंडरस्टूड है वो, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैप्लेशन ऑपरेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिया तो बस क्या होगा, यहाँ से इसको हम क्या लिख दें, एच लिख दो इसको, माइनस वन बाई टू एम स्क्वेयर वी ऑफ एक्स वाई और जेड, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, क्या आ गया हमारे पास ये, इसको एच बोल देते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी लिख दो या फिर ऑपरेटर को एच कट से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल एनर्जी के लिए ऑपरेटर जो होता है वो एच कट से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे बात समझो, काइनेटिक एनर्जी वाले को के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी वाले को बी से, और इसको करते हैं एक्स, पोजिशन को एक्स वाई और जेड ऐसे करते हैं, मोमेंटम को पी एक्स पी वाई और पी जेड ऐसे करते हैं, ठीक है। ये बात आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और जो हमारे बीच में छोटे छोटे एक आधे टॉपिक रहते हैं, ठीक है, हम वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।